दोस्तों आज की हमारी ये जो वीडियो है सिंगल डोर फ्रिज की जो थर्मोस्टेट और बल्ब की वायरिंग होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि वायरिंग में कन्फ्यूजन्स होती है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सिंगल डोर फ्रिज में थर्मोस्टेट और बल्ब की वायरिंग में कन्फ्यूजन्स हो गई है तो किस तरीके से हम उसको पहचानेंगे कि कौन सी वायर थर्मोस्टेट का है और कौन सी वायर जो है बल्ब की है। इसके लिए हम देखते हैं फ्रिज के पास चलकर पहचानने के बहुत सिंपल और आसान तरीके। फिर चलिए बहुत सिंपल और सरल तरीके से पहचानेंगे कि ये जो हमारे पास सिंगल डोर के फ्रिज है, देख पा रहे हैं उसमें जो वायर्स आया होता है, इन वायर को छूने से पहले अपने फ्रिज की पावर प्लग बंद कर दीजिएगा, प्लग बाहर निकाल लीजिएगा, नहीं तो करेंट लग सकती है। बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, ये जो चार वायर आया है, इन चार वायर में से कौन सा वायर यहाँ पर बल्ब में लगेगा और कौन सा वायर यहाँ पर थर्मोस्टेट में लगेगा, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। देखिए ये जो चार वायर है, इन चार वायर में सबसे पहले इसकी कलर चेक कर लेना है। तो यहाँ पर एक लाल कलर का है, दूसरा जो ले लेते हैं यहाँ पे काला है, ये नीला वाला वायर है और ये पीला टाइप का कलर की वायर है। देखिए तो यहाँ पर हमें सिंपल सा तरीका है कलर को पहचान लेनी है। कलर पहचानने के बाद चलेंगे हम फ्रिज के पीछे के साइड। फ्रिज की पीछे साइड आने के बाद देखनी है कि इसकी प्लग वायर चेक करेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर इस प्लग वायर से तीन वायर निकले हुए देखेंगे, जिसमें कलर देख सकते हैं ये एक लाल कलर है और दूसरा जो है यहाँ पर ब्लैक कलर है। हमने फ्रिज के अंदर के साइड की कलर को देख लिया है, यहाँ पर भी कलर देखिए, एक जो ग्रीन है जो कि फ्रिज की बॉडी के साथ अटैच है, एक लाल वाली वायर जो ऊपर साइड जा रही है, एक ये जो ब्लैक कलर का वायर है वो भी ऊपर के साइड जा रहा है। इसमें से एक वायर जो डिफरेंस है ये वाला वायर देख सकते हैं जो ऊपर की साइड से आकर कंप्रेसर में कनेक्ट हो रही है। ये देखिए ये वाला वायर जो है ऊपर की साइड से आकर कंप्रेसर में कनेक्ट हो रही है। तो इनमें से कलर पहचान लेनी है। इस लीड वायर का पहला ये लाल वाला कलर देखते हैं जिसमें करंट आ रही होगी, और ये जो ब्लैक वाला कलर है इसमें न्यूट्रल आ रहा होगा, और ये जो एक वायर ऊपर के साइड से ये जो नीले कलर की वायर है वो कंप्रेसर की साइड जा रही है, मतलब ये जो वायर है ये थर्मोस्टेट की वायर है। चलिए अंदर की साइड कनेक्शंस करके देख लेते हैं। फ्रिज के पीछे की वायर्स को पहचानने के बाद सामने की साइड से वायरिंग पहचानना बहुत आसान है। देखिए सिंपल सा तरीका है, फ्रिज का जो मेन केबल लीड वायर है उसकी कलर वाली वायर्स को अलग करते हैं। तो हमने देखा है कि जो कलर है केबल के साथ एक लाल है और दूसरे वाले जो कलर है वो काले कलर का है, और हमने वो भी देखा है कि जो नीला वाला वायर है वो कंप्रेसर के साथ में लगा हुआ है। ठीक है, हमने पीछे तीन ही वायर देखे हैं, ये जो एक्स्ट्रा वायर बचता है उसको फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब ये जो तीनों वायर है उसमें से थर्मोस्टेट का वायर कैसे पहचानेंगे, तो केबल का फिर से दो वायर देखते हैं, एक काला और एक लाल वायर। अक्सर जो होती है काले कलर का वायर न्यूट्रल पॉइंट बना होता है और ये जो लाल कलर का वायर होता है वो फेस पॉइंट होता है। अगर कन्फ्यूजन्स हो तो कुछ देर के लिए सेफ्टी बरत कर फ्रिज की प्लग वायर को बिजली की बोर्ड में लगाकर इन दोनों वायर में टेस्टर लगाकर देख लें, तो टेस्टर अक्सर लाल में जलती है या काला में जलती है। तो जिसमें भी टेस्टर जलता है, जैसे कि यहाँ पर लाल में जलता है, तो सिंपल क्या करनी है, इस लाल वाले वायर को और जो फ्रिज के पीछे कंप्रेसर के साथ नीले वाली वायर लगा है उसके साथ में एक साथ करनी है। तो ये दोनों वायर जो होती है थर्मोस्टेट का वायर है, ऐसे 100% पहचान सकते हैं। और ये जो एक वायर है न्यूट्रल वायर और ये एक एक्स्ट्रा बचा हुआ वायर है जो कि पीछे हमने तीन वायर देखा है, तो यहाँ पर एक बचा हुआ वायर, ये दो दोनों वायर होते हैं, ये फ्रिज की बल्ब की वायर है, इस तरीके से पहचान सकते हैं। अब मैं इसको दोनों को अच्छे से जोड़कर और एक बार चालू करके दिखाता हूँ।
तो फिर यहां पर देख लीजिए, अब हम इस वायर का बढ़िया से कनेक्शंस कर दिया है। ये जो लाल वाला वायर देख रहे हैं जिसमें करंट आ रहा था, को थर्मोस्टेट के साथ दिया है, और जो फ्रिज के पीछे कंप्रेसर के साथ जो वायर जा रहा था उसको भी थर्मोस्टेट के साथ दे दिया है। दूसरी तरफ देखते हैं इस बल्ब को, तो जो वायर यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट थी उसको हमने इस बल्ब के साथ दिया है, और एक वायर जो यहाँ पर एक्स्ट्रा था उसको भी इस बल्ब के साथ दे दिया है। इस तरीके से हम इसकी वायरिंग कर दिए हैं। हम आपको एक बार चालू करके दिखा देते हैं कि अब यहाँ पर फ्रिज काम करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए मैं इसकी प्लग को बिजली की बोर्ड में लगाने वाला हूँ। तो देखिए बिजली की बोर्ड पे लगा दिया है, लाइट यहाँ पर चालू हो चुकी है, फ्रिज भी चालू हो गया है। इस तरीके से इसकी वायरिंग होती है। तो फिर अभी हमने देखा कि फ्रिज की जो वायरिंग है उसको पहचानना कितना आसान है। वीडियो अच्छी लगी या वीडियो से जानकारी मिली तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से लाएंगे नई वीडियो नई जानकारी लेकर।